हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या बना है आज लंच में? जल्दी जल्दी फटाफट वो करिए कमेंट और बताइए आपके घर में क्या स्पेशल बना है। आज हमारे घर में हमने सुबह सुबह 5:30 बजे उठी मैं, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। तो बच्चों की कल थी स्पेशल फरमाइश की माँ, हमें सुबह ढोकले बनाना है। तो ये सब थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत कुछ रहता है काम करने के लिए साथ में अकेला। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रेकफास्ट ही बनाना है बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी मैंने सुबह ढोकले बनाए। देन फिर खाना मम्मी ने बनाया आज, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, ऑर्डर का काम है। आप लोगों को दिखा देती हूँ, अभी तो मैं सिर्फ ड्रॉइंग किया हुआ है। और मुझे आज ये फोटो हर हालत में 3 से 4 बजे के बीच में देना है। तो जस्ट मैं अभी 11 बज रहे हैं दोस्तों, मैं फ्री हो गई हूँ सारे काम से। पूरा घर का काम कर लिया मैंने और मैं इसको बनाने बैठूंगी अभी। तो मुझे आराम से 2 से 3 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और मिष्टियाँ जाती हैं 2 बजे, तो मैं सोच रही हूँ उसके पहले ही मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मिष्टी के आने के बाद बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। उसका सारा काम कराना पड़ता है, उसे खाना नहलाना सब कुछ करना पड़ता है। बड़ी जरूर वो 9 साल की होंगी, लेकिन अभी भी वो इतनी छोटी बनी हुई है कि मतलब बिल्कुल गोदी में ही खेलती। वो अभी भी आएगी तो गोदी में घुस जाएगी, कहीं मेरी कहीं नानी की गोदी में घुस जाएगी। तो ये उसका बचपना अभी नहीं जाने वाला, क्योंकि वो सब घर में सबसे छोटी है तो सब उनको खिलाते ही रहते हैं। तो उनका पूरा काम हमें करना पड़ता है सच में। तो ये मैं 2 बजे तक आज फ्री करूंगी, क्योंकि इसका मुझे फ्रेमिंग भी करा के देना है। तो फ्रेमिंग में ही मतलब 1 घंटा तो लग ही जाएगा आराम से। तो चलिए दोस्तों, आज टॉपिक पर आते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों, बहुत खुश हूँ। इसलिए बहुत खुश हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी मुझे मिली हुई है, लेकिन मैं अभी रिवील करने वाली नहीं हूँ। मैंने सुबह जैसे ही मैं उठी थी, तो तब मैंने मेरे पास एक मेल पड़ा हुआ था। वो मेल मैंने जैसे ही पढ़ा तो मैं बहुत ग्लैड हो गई। जितना मुझे समझ आया तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया, फिर मैंने राधिका को भी, जब राधिका उठी तब मैंने उनको पढ़वाया कि राधिका ये पढ़ो, ये क्या है। तो राधिका भी बड़ी खुश हो गई कि ले वो मम्मा इतना बड़ा मतलब एक अचीवमेंट है, एक मतलब बहुत बढ़िया चीज है जो मैं अभी रिवील नहीं कर रही। जैसे ही सब कुछ हो जाएगा, बाकायदा सब वीडियो पर आएगा और आप लोगों को तो वैसे ही सब पता चल जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो आएगी ही आएगी सारी चीजें। तो सब पता पहले ही, मेरे वीडियो से पहले शायद आप लोग को पता चल जाए। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब एक खुशी की बात है कि लाइफ में वन बाय वन में जो अचीवमेंट हो रहे हैं, मतलब प्राप्त कर रही हूँ। एक कॉल आ गया था बीच में। तो दोस्तों बस यही है कि बहुत खुश हूं मैं। और जो मेरे हेटर्स हैं, उनके लिए स्पेशल आज एक मैसेज मैं भेज रही हूँ कि आप लोग यदि ये वीडियो देखते हैं तो मुझे फायदा ही होता है। देखो आप लोग कुछ भी बोलते हो, क्योंकि हेटर्स होना भी बहुत जरूरी है लाइफ में। एक चीज है, यदि हेटर्स नहीं होंगे तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनसे ही आपको समझ में आता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या चीज। कई बार तो ऐसे ही ट्रोलिंग होता है, लेकिन कई चीजें वो लोग कुछ ऐसा भी लिख के जाते हैं कि जो हमें लगता है कि नहीं, हमें ये चीज इम्प्रूव करनी है अपनी लाइफ में, है ना। तो कहते हैं ना कि आलोचना करने वाले भी होना ही चाहिए लाइफ में। यदि आपको वो आलोचना बुरी लगती है तो शायद आप फिर सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए हेटर्स होना भी बहुत जरूरी है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जिसको जो कमेंट करना हो, जिस तरीके से मेरे को हेट करना, मुझे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं अपने आप में क्या हूँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुंची हूँ, कितना स्ट्रगल किया है मैंने यहाँ तक पहुंचने में। मेरी स्टोरी मैं जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते ना। आप लोगों ने वो चीज थोड़ी देखी है, यहाँ के लोगों ने देखी है। जो मेरे टच में है सब लोग वो जानते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल करके इधर तक, आज जिस स्टेज पे मैं हूँ वहां तक पहुंचने में मैंने खून पसीना एक किया है, सही बता रही हूँ। और कितना कुछ खोया है, ठीक है, पाया भी है, खोकर पाया है, लेकिन बहुत कुछ खोकर मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। खैर मैं इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होंगी, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और एक खुशी के भी आंसू है। भगवान करे मुझे ऐसे सब कुछ सारा सक्सेस मिलता जाए और एक टाइम पे मैं बहुत ऊपर बुलंदियों पे पहुंच जाऊँ, इतना मैं चाहती हूँ, और कुछ नहीं। क्योंकि मुझे करना है यार, बहुत कुछ करना है। अभी जो किया है वो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, है ना। अभी बहुत आगे जाना है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं हेटर्स के लिए मैसेज भेज रही हूँ कि
आप लोग जो भी लिखते हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे, मैं उन चीजों को और इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, है ना। कि यदि आपने कुछ गलत गलत मतलब ऐसा लिखा है कि हाँ मुझे मतलब मेरे लिए वो इम्प्रूव करना है, तो वो तो मैं गैन करती हूँ कि नहीं यार मुझे करना है। बाकी तो देखो ट्रोलिंग तो करने वाले होते ही, यदि आपको कुछ लोग लाइक कर रहे हैं तो कुछ डिसलाइक भी करेंगे। 100% लाइक कोई भी नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी आदतें अच्छी लगेंगी, कुछ को वो ही आदतें अपनी बुरी भी लगेंगी, है ना। तो खैर ठीक है, और आप लोगों के हेटर्स भी यदि मेरे वीडियो पर आते हैं ना, तो मैं सही बताऊं मेरे तो व्यूज बढ़ते हैं, बल्कि तुम तो रोज आओ, मुझे तो अच्छा है, रोज कमेंट करने आओ, क्योंकि आप लोग वीडियो देखोगे तो मेरा तो एक व्यू बढ़ जाएगा, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे, आप लोग आओ, आप लोग को पूरा खुला हुआ, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन कभी भी ऑफ नहीं करती, आप लोग को मालूम है, जो भी लिखना है लिख कर जाओ, अपना पूरा भड़ास यहाँ पर निकाल के जाओ, ताकि मतलब आप लोग फ्रेश महसूस करो, है ना। ये अच्छा है, मेरे कारण आप लोग फ्रेश महसूस कर पाते होगे, अपना भड़ास यहाँ पर निकाल के जाते होगे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। निकालो, मैं पढ़ती भी हूँ बाकायदा, आप लोगों के सारे मैसेज रीड आउट करती हूँ, रिप्लाई भी देती हूँ, बहुत से लोगों को मैं रिप्लाई भी देती हूँ, जैसा मुझे टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। कि आजकल बहुत मतलब आप लोगों को मालूम है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजी वाला काम, क्योंकि घर का भी काम करना है, साथ में कहीं ऑफिस नहीं जाना है जैसे और लोग जाते हैं, लेकिन मुझे मेरा इंस्टीट्यूट भी है, मेरे ऑर्डर के काम भी है, मेरा इतना कुछ है करने के लिए, साथ में बच्चों को भी देखना, क्योंकि यहाँ कोई सर्वेंट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक बर्तन वाली के अलावा, बर्तन मांजने जो आती है उसके अलावा हमारे यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है। 3 मंजिल का मकान है, सारा झाड़ू पोछा हम ही लोग करते हैं सब, हम पापा मैं मम्मी तीनों लोग सुबह से उठ के सारा काम करते हैं। राधिका घर में होती है तो राधिका भी करती है, लेकिन राधिका की 12th है तो उससे मैं कमी कराती हूँ कि बेटा तुम पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा काम मेरा ये वीडियो एडिटिंग वगैरह में भी उसका टाइम चला जाता है, लेकिन बाकी वो भी करती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे वीडियोज़ में कि हम लोग सब मिलकर काम करते हैं घर में, ताकि पूरा साफ सफाई बना रहे, अच्छे से सब रहे और बाकी काम भी चलते रहते हैं दोस्तों। तो बस दोस्तों आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है टाइम, मुझे करना है काम। और फिर से बोलती हूँ, हेटर्स का ऑलवेज वेलकम मेरे चैनल पे, हमेशा हमेशा के लिए वेलकम है, आइए और कमेंट करके जाइए, अपनी भड़ास निकाल के जाइए इस चैनल पर जो भी, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके भी जाइए। यदि आपको लग रहा है कि मेरा चैनल अब अच्छा चल रहा है या अच्छा आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो अपनी भड़ास भी निकाल के जाना। और देखो मेरा तो है कि मैं धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ती जाऊंगी और आप लोग हेट करते जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने फिर बोला है, आई एम ऑलवेज। और आज तो मैं बहुत बेहद खुश हूँ, इतना बड़ा एक मतलब न्यूज मिला है, इतना बड़ा मतलब मेल जो आया था उसके थ्रू फिर हम लोगों ने कॉल पर बात भी कर ली उन लोगों से, और शायद 1-2 दिन में ही सब कुछ होने वाला है, और जो कुछ होगा आप लोग के सामने होगा। मेरे लिए प्रेयर करना, जो मुझे पसंद करते हैं प्लीज प्लीज भगवान से प्रेयर करना कि आपकी मंजू ऐसे ही बुलंदियों पे पहुंचती जाए, और मैं अपने बच्चों को एक दिन अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाऊं, और लोगों के सामने एक मिसाल कायम करूं कि अकेली माँ भी अपने बच्चों को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है और खुद को भी लेके जा सकती है। और मैं सच में बहुत खुश हूँ दोस्तों, बहुत खुश हूँ। कभी कभी जब ऐसा कुछ मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी खुशी बर्दाश्त मिली, क्योंकि मेरी लाइफ में खुशियाँ कम ही आई हैं, दुख ज़्यादा आए हैं मेरी लाइफ में, लेकिन मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहती भी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ हमेशा समझाती है कि फालतू, क्योंकि रोते वो लोग हैं जो कमज़ोर होते हैं, और मैं इमोशनल हूँ, मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने लड़ना सीखा है, फाइट करना सीखा अपनी लाइफ से, हर परिस्थिति से, और मैं लड़ती आ रही हूँ, आप लोग खुद देख रहे हो कि हर परिस्थिति से मैं लड़ के बाहर निकली हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन रही हो लाइफ की। और ठीक है, अभी कुछ नहीं बोल रही मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो बस मेरी गंगा जमुना बहने लगेंगी और मैं कमज़ोर नहीं हूँ। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी। और आज का वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे चैनल को, देखते बहुत से लोग हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिन्होंने भी तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, काम करूँगी मैं बैठ के।